नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम अपने इस वीडियोस में देखने जा रहे हैं राजस्थानी पेंटिंग का अगला, दैट इज मारू रागिनी। ठीक है, तो देखते हैं मारू रागिनी पेंटिंग का नाम था। ठीक है, इसके पेंटर कौन थे? साहिबुद्दीन। इसका मीडियम क्या था? सेम वाटर कलर ऑन पेपर। ठीक है, सिरका क्या था, यानी कि कब बना था? दैट इज द 18th century। ठीक है, सब स्कूल कौन सा था? मेवाड़ उदयपुर। टेक्निक कौन सा यूज हुआ था? दैट इज टेम्परा। और इसका भी कलेक्शन कहाँ? न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देख लिया आपने इस पेंटिंग के बारे में, क्या नाम था, कहाँ बना। ओके, देखते हैं। इज एन इम्पोर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ रागमाला। ठीक है, ये भी रागमाला सीरीज, जो कि किसके द्वारा? साहिबुद्दीन के द्वारा रागमाला सीरीज चलाया गया था, उसी का एक हिस्सा है मारू रागिनी पेंटिंग। ओके, ठीक है। ये पेंटिंग बनाया कहाँ? मेवाड़ में बनाया गया था। इस पेंटिंग की खास बात क्या रही? तो द किंग एंड द क्वीन आर सोन राइडिंग ऑन द कैमल। जो किंग और क्वीन थे वो कहाँ पे दिखाए गए थे? कैमल पे, देखिए, राइड करते हुए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद कहा गया कि बैक एंड डेजर्ट बैकग्राउंड, और ये जो कैमल है बेसिकली वो कहाँ पे है? इसके बैकग्राउंड में देखें तो क्या है, ये इलाका जो है बेसिकली डेजर्ट का इलाका है। ठीक है, देयर अपील्स हैव बीन सोन ट्रांसपेरेंट एंड डेकोरेटेड विथ एडॉर्नमेंट। देखिए इसका बैक बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और क्या है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप देखोगे तो डेकोरेट किया गया है। हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद कैमल जो है किस पोजीशन में है? तो कैमल देखे बिल्कुल रनिंग पोजीशन में दिखाया गया है, तो कैमल इज इन रनिंग पोजीशन। ओके, चलिए आगे। उसके बाद कह रहा है कि एंड फुली डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ राइडर। राइडर की भाई जैसी खास बात होती है, देखिए यहाँ पे राइडर जो होते हैं, जैसे वो रहते हैं, जैसे वो चलते हैं, उसी हिसाब से इस कैमल को भी दर्शाया गया है इस पेंटिंग में, जैसे वो राइडर चलते थे। यहाँ पे देखिए राइडर्स को। ओके, तो यानी कि राइडर्स जिस स्टेटस में थे उसी स्टेटस में कैमल की रनिंग पोजीशन दिखाई गई है। ओके, एन अटेंडेंट इज प्रोसीडिंग अहेड ऑफ कैमल। ओके, और यहाँ पे देखिए एक जो अटेंड करेगा जो कैमल को, उसके बिल्कुल अहेड है, बिल्कुल आगे चल रहा है। हाँ जी, आगे कह रहा है वाई टू मेल एस्कॉर्ट विद सॉर्ड। दो मेल को देखे सॉर्ड के साथ कंधे पे लेकर, ये आगे नीचे उसके चल रहे हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है कि अ व्हाइट हाउस हैज बीन सोन रनिंग अहेड ऑफ द बोथ। ठीक है, यहाँ पे देखे व्हाइट हाउंड जो है बेसिकली इन दोनों आदमी के आगे ये भी दौड़ता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द बैकग्राउंड टू शो वाइंडिंग सरफेस, यानी कि जो हवा चले बेसिकली उस सरफेस को दिखाने के लिए ग्रीन और येलो कलर यूज किया गया है। देखे ग्रीन और येलो कलर का हल्का क्या है, ये यूज किया गया है इस कैमल के पीछे। ओके, ऑल द ह्यूमन फिगर हैव बीन सोन वियरिंग डीप कलर्ड अपील्स। जितने भी यहाँ पे ह्यूमन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डीप कलर के क्या पहन रखे थे, अपने पहनावे। ओके, और जो इनके सर पे था, जो बेसिकली यहाँ का किंग और क्वीन था, इनके सिर पे जो मुगल का होता है बेसिकली जो कैप, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इसके सिर पे भी दिखाया गया, यानी कि मुगल स्टाइल में इन्होंने अपने हेड पे क्या कर रखा है, टर्बन्स बांध रखे हैं। द किंग टर्बन हैज़ बीन सोन डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर टर्बन्स। किंग का जो टर्बन है बेसिकली अगर देखें तो बाकी लोगों के टर्बन के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इस पेंटिंग बिलोंग टू द कहाँ से? मेवाड़ सब स्कूल, जो कि उदयपुर में है, एंड हैज़ बीन सराउंडेड बाई सिंपल बॉर्डर ऑफ ऑरेंज कलर। बिल्कुल, इसको जो इसकी बॉर्डर है बेसिकली इस पेंटिंग की, वो क्या है, इस बॉर्डर को ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है। द कैलीग्राफी वर्क इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इसकी जो स्क्रिप्ट पूछेगा आपसे, स्क्रिप्ट याद रखे, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट हैज ऑल्सो बीन डन फॉर द टॉप ऑफ द पेंटिंग। यानी कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट है बिल्कुल यहाँ पर जो लिखी गई है इस पेंटिंग के बिल्कुल टॉप पे। तो ये थी इस वीडियोज की, यानी कि इस पेंटिंग की खास बात। ठीक है, तो अब अगली वीडियोज में हम अपने अगले पेंटिंग को लेकर मिलेंगे, जो कि होगा आपका अब आपके राजस्थानी पेंटिंग से ही लिया गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।